इस वीडियो को 18 साल से कम उम्र के लोग ना देखें। यह वीडियो सिर्फ इंटरनेट से लिए गए जानकारी के ऊपर बनाया गया है। इस वीडियो को वजह से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचता है तो माफ़ी चाहूँगा। क्या आपको पता है कि पोस्टमार्टम की एक काली सच्चाई जिन्हें जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे? तो बने रहे हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। और आपको हम सेकेंड पार्ट ये पोस्टमार्टम के ऊपर बनाया हूँ, जो कि आप लोग इसे फुल वॉच करें टिल एंड। पोस्टमार्टम की काली सच्चाई ये है कि बॉडी को पोस्टमार्टम करते समय चीखने व कर्राने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आती है, ये रहस्य छुपाया गया है आम नागरिकों इंसानों को से। डॉक्टर ने छुपाया इसे क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि डेड बॉडी चीख रही है तो उन्हें लगेगा कि हमारा पेशेंट मरने की बजाय जिंदा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके लिए डॉक्टर नहीं बताते हैं कि वो चिल्लाने की आवाज़ पोस्टमार्टम करते समय क्यों आता है। पोस्टमार्टम करते समय चीखने और चिल्लाने की आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि मांसपेशियां में गैस बनती है और वही गैस रिलीज होते समय चीखने व चिल्लाने की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ करती है। जी हाँ, तो चलिए इसका साइंटिफिक रीज़न भी जान लेते हैं। आपको अभी हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसके बारे में गूगल क्या कहता है। तो गूगल से आप सुने कि गूगल इसके बारे में पोस्टमार्टम करते समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आती है, गूगल इस पर क्या कहता है। पोस्टमार्टम करते समय बॉडी से चीखने की आवाज़ क्यों आती है? क्वोरा के अनुसार कई बार पोस्टमार्टम करते समय डेड बॉडी से चिचियाने जैसी आवाज़ क्यों आती है? क्वोरा, वास्तव में वो चीखने वाली आवाज़ मांसपेशियां की वजह से होती है, उसका व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता। तो आपने सुना कि इंटरनेट से गूगल ने इस पे क्या राय दिया। तो यही है साइंटिफिक रीजन जो कि पोस्टमार्टम करते समय चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड जय हिंद।